कोरोना को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार व तमाम समाज सेवी संगठन व कुछ समाज सेवी मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस महामारी से निपटने के लिए समाज सेवी संगठन का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज में ये लोग अपना अमूल्य योगदान देकर जागरूकता व इस महामारी से बचने में हर संभव मदद की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति एवं पत्रकार एसोसिएशन द्वारा काशी कृषक इंटर कॉलेज हरहुआ वाराणसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर नगीना सिंह यादव को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय में कार्यालय अधीक्षक महावीर श्रीवास्तव एवं संतराम प्रवक्ता गणेश प्रसाद, अशोक कुमार, झन्नूलाल व अन्य भी मौजूद रहे। इस सम्मान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में समस्त समाज के लोगों का ये गुरुतर दायित्व तो है कि समाज को इस महामारी से उभरने के लिए कुछ न कुछ करें। उसमें मेरा जो थोड़ा बहुत योगदान था वो उसी तरह से था जिस प्रकार से समुद्र जब बधा था उसमें गिलहरी का योगदान। आज सम्मान आपको मिला है, सोहेल देव जन कल्याण समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोहेल देव समाज कल्याण समिति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उनके मुखिया हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, इनकी प्रेरणा से ही मैं कुछ आगे बढ़ा और बीच बीच में इनकी प्रेरणा से लोगों को कुछ खाद्यान्न वगैरह का वितरण मैंने मेरे द्वारा किया गया। इस संस्था को आगे बढ़ाने में आप क्या योगदान करेंगे? इस संस्था बढ़ाने का मेरे पास जो बल है वह मेरा विचारधारा है, वो मैं इनको आज दान करता हूँ। सुहेल देव जन कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत राजभर व पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजय राजभर की मौजूदगी में यह सम्मान दिया गया।